दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CRSU यानी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में, जिसमें आप BEd के अंदर एडमिशन ले सकते हैं पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में। दोस्तों एडमिशन लेने के लिए आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आपके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बेसिस पर। आपको ऑनलाइन फॉर्म में सभी डिटेल केयरफुली एंटर करनी है, और यदि आपके पास मास्टर्स डिग्री भी है तो बैचलर या मास्टर, जिस डिग्री में भी आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे, उसको कंसिडर किया जाता है मेरिट लिस्ट के लिए। फ़िलहाल हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और काउंसलिंग वगैरह के बारे में। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट crsu.ac.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर आने के बाद लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आपको नोटिस मिलेगा BEd एडमिशन 2019। इसको आप ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर प्रोस्पेक्टस का लिंक होगा और अप्लाई करने का लिंक भी यहीं पर आपको मिल जाएगा इसी वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे दो फेज़ में होगी, ठीक है, पहला फेज़ और दूसरा फेज़। दोस्तों पहला वाला फेज़ जो है वो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट के लिए है, यानी अगर आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए है, और दूसरा फेज़ जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए है, यानी अगर आप सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ दोस्तों, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो करना है वो करना है 3 अगस्त से 20 अगस्त तक गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट के लिए, और सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के लिए आपको 3 अगस्त से 30 अगस्त तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। फ़ीस की बात करूँ दोस्तों मैं, तो यहाँ पर काउंसलिंग फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस सेम है सबकी, 1000 रुपये फ़ीस है इसकी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, और 600 रुपये फ़ीस है SC BC ओ DA और गर्ल्स कैंडिडेट ऑफ हरियाणा ओनली, ठीक है। और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट के लिए चॉइस फिलिंग का प्रोसेस 3 अगस्त से 21 अगस्त तक स्टार्ट होगा, और प्राइवेट के लिए 3 अगस्त से 31 अगस्त तक, यानी दोनों का सेम ही है जो आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। और इसके बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आपकी 22 अगस्त को गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट के लिए, और 3 सितंबर को सेल्फ फाइनेंस स्कीम वालों के लिए। रिपोर्टिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसी इफ एनी बाय द कैंडिडेट एंड करेक्शन देयर ऑफ टू बी इनकॉर्पोरेटेड, अगर कोई रिपोर्टिंग करेक्शन करवानी है आपको तो वो 21 और 22 अगस्त तक करवा सकते हैं गवर्नमेंट वाले, और सेल्फ फाइनेंस वाले 3 से लेकर 4 सितंबर तक करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग के लिए, तो जो पहला राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 23 अगस्त को आएगा, दूसरा राउंड 31 अगस्त को, तीसरा राउंड 5 सितंबर को, ठीक है। यहाँ पर आपको पर्सनली रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, पहले राउंड के लिए 24 से 26, दूसरे राउंड के लिए 1 से 3 सितंबर, और तीसरे राउंड के लिए 6 से 7 सितंबर तक। ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय द कॉलेज वो होगी आपकी 28 अगस्त को, 4 सितंबर को और 9 सितंबर को, यानी कॉलेज जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा उसके बाद आपके जो रिपोर्टिंग है वो आपका डैशबोर्ड में दे देगा। फिर जो फेज़ टू है जो कि आपकी सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए है, उसके लिए जो सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट्स हैं वो 7 सितंबर, 12 सितंबर और 16 सितंबर को रिलीज़ किए जाएंगे। उनकी जो रिपोर्टिंग है पहले राउंड की 8 से 10 सितंबर, दूसरे राउंड की 13 और 14 सितंबर, और तीसरे राउंड की 17 और 18 सितंबर है, ठीक है। रिपोर्टिंग कॉलेज के द्वारा दी जाएगी 11 सितंबर को, 15 सितंबर को और 19 सितंबर को। क्लासेस की अगर हम बात करें तो 7 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। और अगर फेज़ टू के बाद भी सीट्स बचती हैं फेज़ टू की काउंसलिंग के बाद, तो उसके लिए 1000 रुपये एडिशनल पे करने पड़ेंगे आपको, फ्रेश रजिस्ट्रेशन उसके लिए करना पड़ेगा आपको। और अगर फेज़ टू के बाद जो फेज़ थ्री है उसके बाद भी सीट बचती है, तो फेज़ फोर होगा, उसके लिए 2000 रुपये आपकी पेमेंट लगेगी। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी विल बी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपकी जो ग्रेजुएशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। दोस्तों अप्लाई आपको यहीं से करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो उससे लॉगिन करके अपना फॉर्म वॉर्म फिल कर देंगे, अपनी डिटेल्स एंटर कर देंगे और चॉइसेस वगैरह फिल कर देंगे। दोस्तों कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कहाँ पर कितनी सीट्स हैं, उन सब की डिटेल आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। प्रोस्पेक्टस हम डाउनलोड कर लेते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी कॉलेज में रिपोर्ट करते हुए टाइम, उसकी डिटेल भी यहाँ पर गिवन है, तो इस प्रोस्पेक्टस को आपको केयरफुली पढ़ लेना है।
टोटल 66 पेजेस का प्रॉस्पेक्टस है, लेकिन ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही आप इस प्रॉस्पेक्टस में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ेंगे, एडमिशन शेड्यूल वगैरह, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर गिवन है। एलिजिबिलिटी कंडीशन, 50% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक बार वो वाला पेज दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट शेड्यूल जो है उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। इस पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं फ्रंट पेज पे जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी, तो इसको आप चाहें तो प्रोस्पेक्टस में भी आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 20 अगस्त तक का गवर्नमेंट के लिए टाइम है और 30 अगस्त तक का जो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए टाइम है। और हमने आपको बता दिया फेज़ टू के बाद अगर सीट्स बचती हैं तो फेज़ थ्री कंडक्ट होगा, उसके लिए 1000 रुपये एडिशनल फ़ीस होगी। और फेज़ थ्री के बाद भी अगर सीट्स बचती हैं तो फेज़ फोर कंडक्ट होगा, उसके लिए 2000 रुपये एडिशनल फ़ीस लगेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये है, जिसके अंदर आपकी काउंसलिंग फ़ीस भी इंक्लूड है, यानी 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और 500 रुपये की काउंसलिंग फ़ीस है, जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। 625 रुपये जिसमें 125 रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 500 काउंसलिंग फ़ीस है। ये 625 रुपये SC ST BC और PH गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है हरियाणा की, ठीक है। गर्ल्स कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हों तो उनके लिए भी 625 रुपये ही फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन के अंदर काउंसलिंग फ़ीस इंक्लूड है, हम आपको बार बार ये चीज़ बता देते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में, रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको जो कोर्स की ड्यूरेशन है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अपनी जो जॉब है वो छोड़नी पड़ेगी, और जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपके मार्क्स के बेसिस पर तैयार की जाएगी। यदि आपके पास बैचलर डिग्री के अलावा मास्टर्स डिग्री भी है तो बैचलर या मास्टर में जिस भी डिग्री में आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए। और दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिएगा, अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप हो गई, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, काउंसलिंग फी रिसीव हो गई, जब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तो सीट अलॉटमेंट का लेटर आ गया, यानी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है, वो सब चीज़ें आप अपनी तैयार करके रखिएगा, क्योंकि जब आप रिपोर्ट करेंगे अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। क्योंकि यहाँ पर 3 राउंड है तो आपके पास पहले राउंड के बाद और दूसरे राउंड के बाद अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे और रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर अपनी जो आपको अगर अपग्रेड करना है तो उसका ऑप्शन देंगे, या फिर आपको फ्रीज करना है तो उसका ऑप्शन देंगे, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज आपकी अपग्रेडेशन स्लिप या प्रोविजनल एडमिशन स्लिप जनरेट करेगा। जो हमने आपको इम्पोर्टेंट शेड्यूल में रिपोर्टिंग डेट बता दी, तो उस रिपोर्टिंग डेट पर आप लॉगिन करके चेक करेंगे कि कॉलेज ने आपका स्टेटस रिपोर्ट कर दिया है, या तो आपने एडमिशन कंफर्म कर लिया हो तो एडमिशन दिखाएगा एडमिशन स्लिप, या फिर अपग्रेड किया है तो अपग्रेडेशन स्लिप दिखाएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लीजिए, 50% मार्क्स आपको चाहिए बैचलर डिग्री में, ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री में। बैचलर इन इंजीनियरिंग की डिग्री है तो 55% मार्क्स आपके चलेंगे। देयर शुड बी नो राउंडिंग ऑफ, कोई राउंडिंग ऑफ नहीं है। अगर आप 49.5% मार्क्स हैं आपके तो वो 50% नहीं माने जाएंगे, 49.5 ही माने जाएंगे, ठीक है। SC ST के लिए 47.5% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है हरियाणा कैंडिडेट की, ठीक है, और 47.5% ब्लाइंड पर्सन के लिए भी है, और डिफरेंटली एबल कैंडिडेट के लिए भी इतनी ही रिक्वायरमेंट है। कट ऑफ डेट हमने आपको बता दी, जो अगर आपने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 20 अगस्त रहेगी और प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 30 अगस्त रहेगी, यानी इन पर्टिकुलर डेट तक आपका जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और याद रखिएगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो वो मास्टर डिग्री के अंदर नहीं आएगा, मास्टर डिग्री जो 2 साल की होती है वही आपके पास होनी चाहिए, यानी अगर डिप्लोमा वगैरह की डिग्री है मास्टर्स के अंदर तो वो मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं मानी जाएगी। अगर किसी दो कैंडिडेट के मार्क्स सेम रहते हैं तो उस केस में जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको कंसिडर किया जाएगा, यदि ये क्राइटेरिया भी सेम रहा तो जिसके 12th में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको कंसिडर किया जाएगा, फिर अगर 12th में भी सेम रहे तो जिसके 10th में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा। 50% सीटें आपकी साइंस एंड आर्ट्स विद मैथ ग्रुप के लिए हैं और बाकी 50% सीटें आपकी आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप के लिए रखी गई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की सीट्स की बात करें तो 15% सीटें ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए रखी गई हैं, जिसमें हरियाणा भी इंक्लूड होगा, और 85% सीटें बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा, यानी सिर्फ हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रखी गई हैं। दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख लीजिए, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रेडी करके रखने हैं, जो कि आपको रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट में लेकर जाने हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रखिए, ठीक है। बैचलर डिग्री हो गई, मार्कशीट वगैरह हो गया, सर्टिफिकेट हो गया उसका, या फिर हाई स्कूल और 10th का सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। रेगुलर कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम
फ्रॉम कॉलेज डिपार्टमेंट एज रेगुलर स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए रेगुलर स्टूडेंट के लिए। प्राइवेट कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जाम एज प्राइवेट कैंडिडेट शुड सबमिट देयर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय नोटरी पब्लिक। समझ गए आप, यानी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, मतलब जिन्होंने प्राइवेट जगह से अपनी क्वालिफाइंग पास आउट करी है, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट गजेटेड ऑफिसर से इशू करवाएंगे। गैप इन स्टडी, मेल कैंडिडेट हु हैव गैप इन देयर एकेडमिक करियर आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जाम मस्ट फर्निश अ गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना होगा गजेटेड ऑफिसर से यदि आपका गैप ईयर है तो। बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स आप केयरफुली इसमें चेक कर लीजिए जो आपको प्रोवाइड करने हैं। रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा यदि बिलोंग करते हैं तो। अलॉटमेंट लेटर आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे और रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आप ऑनलाइन ही डाउनलोड करेंगे जब पेमेंट कर चुके होंगे। और यहाँ पर प्रिंटआउट भी लेके जाना है आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का, यानी जो ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल किया होगा और जो चॉइस लोग करेंगे उसका भी आपको प्रिंटआउट लेकर जाना होगा। चार पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी लेके जाएंगे और इन सब डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और दो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज भी आपको लेकर जानी है। फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए 12,000 है पर ईयर के हिसाब से और सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए 44,000 है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर का बाइफरकेशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी 12,000 की फ़ीस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद बारी आती है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उस इंस्टीट्यूट में किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया की हो गई, हरियाणा की हो गई, EWS, SC, BC, BCB, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हरियाणा स्टेट के लिखे हुए हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप के और कॉलेज के नाम और कितनी कितनी सीट्स वहाँ पर हैं वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिए अप्लाई करने से पहले और अपनी चॉइस लुकिंग करने से पहले। फिर यहाँ पर सेल्फ फाइनेंसिंग का भी लिखा हुआ है। दोस्तों इस PDF में जो आपका रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट हैं रिजर्व कैटेगरी के उसके फॉर्मेट भी हैं, तो इस फॉर्मेट को भी आप केयरफुली चेक कर लीजिएगा अपना सर्टिफिकेट रेडी करने से पहले और अप्लाई आप कर सकते हैं। आपको इम्पोर्टेंट डेट्स पता चल ही गई होंगी, आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर लीजिए और इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, काउंसलिंग फ़ीस और चॉइस लुकिंग कर दीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।